स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में 12th क्लास के लिए एक्सरसाइज 5.4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपको पता है ना कि जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तरीका अलग होता है, अलग अंदाज होता है। तो सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी चैप्टर का ट्रिक आपको प्राप्त हो, तो आप सर्च करेंगे मैथ ट्रिक्स बाय आर के सिंह, आपके सामने वीडियो जा जाएगा। चाहते हैं कॉन्सेप्ट प्राप्त हो, तो आप सर्च करेंगे चैप्टर का नाम बाय आर के सिंह, तो वीडियो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन, और चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन बिल्कुल मुट्ठी में हो जाए, उससे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फॉर्मूला याद हो जाए, तो भैया देर किस बात की है। यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए क्या डिफरेंशिएशन बाय आर के सिंह। जो आपको वीडियो मिलेगा ना, उसको देखने के बाद समझो वो चैप्टर कंट्रोल में हो जाएगा आपके। इतना आसान भाषा में पढ़ाया गया है, तो फिर काहे परेशान है, किस चक्कर में है ना। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन करने का एक अलग अंदाज होना चाहिए। लिखेंगे लेट माने माना वाई इज इक्वल टू ई का पावर साइन वर्स एक्स, ठीक है, दिया हुआ है। इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए क्या होगा, डी ई के पावर साइन इनवर्स एक्स बट्टा, अच्छा सुनिए, नीचे क्या डालें, अप्लाई करेंगे चेन रूल। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से फार्मूला कितना ज़रूरी होता है। देखिए डी के पावर एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, ये तो सेम टू सेम आता है भैया, ये तो सेम टू सेम आता है। तो क्या सीखना है इसमें, नया नया सीखना क्या है कि पावर में क्या है, एक्स है, तो वही पावर का चीज़ जब नीचे रहेगा फार्मूला बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पावर में साइन इनवर्स एक्स है, तो ये नीचे रहेगा तब फार्मूला बनेगा। लेकिन अब इसको नीचे रहने का अधिकार नहीं है, इसको नीचे रहने का राइट नहीं है, तो ये चल जाएगा यहाँ पे डी साइन इनवर्स एक्स है ना बट्टा। अब देखिए इसका भी थोड़ा सोचिए, डी साइन इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स क्या होता है, देखिए वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, ये होता है। अब सिंपल सी बात समझिए कि यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, बिल्कुल यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। इसी को समझकर बनाते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए अब क्या है, यहाँ पे सेम टू सेम लिख डालेंगे है ना, गुना साइन वर्स एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, इतना होता है तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब सुनिए ध्यान से, यही क्या हो गया हमारा, हो गया आंसर। अब एक और बात दिमाग में आपके आएगा कि सर इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहते हैं अंडर 3 सेकेंड 3 सेकेंड का तरह बनाना, तो कैसे बनाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, सर्च करना है डिफरेंशिएशन ट्रिक बाय आर के सिंह है ना, एक प्यारा सा ट्रिक आपके सामने आएगा और देखिएगा मियाज खुश हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। और ऐसे ऐसे ट्रिक तो इतने ज़्यादा हैं, हर चैप्टर से ट्रिक आपको बताए हैं कि आप क्या कहें, मतलब कि देखने के बाद तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो अच्छा लगा है ना वीडियो, ये थोड़ा इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। कहीं से भी जुड़े हैं हमसे, आप नंबर पे व्हाट्सअप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कोर्सेज के बारे में हर चीज़ जान सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।